नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं पूजा। जिले में राजनीतिक दबाव के चलते लोगों पर झूठे मामले गढ़े जा रहे हैं। ऐसे ही मामले को लेकर ओबीसी महासभा के पप्पू कन्नौजिया पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने सत्ता के दबाव में दर्ज किए जा रहे झूठे मामलों पर रोक लगाने की मांग की। इस दौरान श्री कन्नौजिया ने कहा कि पत्रकार चौथा स्तंभ है, जो कि दलित शोषित पीड़ित वर्ग की आवाज को शासन और प्रशासन तक पहुंचाता है, लेकिन प्रशासन सत्ता के दबाव में पत्रकार के खिलाफ झूठा मामला दर्ज कर लिया गया है। अगर शीघ्र ही जांच कर प्रकरण को वापस नहीं लिया गया तो ओबीसी महासभा आंदोलन करेगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले ही चोराटा थाना में बिना जांच पड़ताल के पत्रकार के खिलाफ झूठा प्रकरण दर्ज किया गया है, जिसकी जांच की मांग कांग्रेस और ओबीसी महासभा ने की है। पत्रकारों के खिलाफ फर्जी जो एक बड़ा एफआईआर मामला आया है, और निश्चित पत्रकार हमारे देश के चौथा स्तंभ है, और जिस प्रकार सत्ता शासन के दबाव में पत्रकारिता को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा, जो कोई बहुत ही निंदनीय कृत्य है, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। अगर पत्रकार के खिलाफ तत्काल प्रकरण वापस नहीं किया गया तो हमारे जो संगठन ओबीसी महासभा इसका जोरदार आंदोलन करेगा और बताएगा कि जो पत्रकार हमारे निर्भीक हमारी बातों को शासन के खिलाफ रखते हैं, लेकिन सत्ता शासन के दबाव में जिस प्रकार हमें इस देखने को मिला है, ब्लैकमेलिंग का खेल खेला जा रहा है, अभी बिल्कुल बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई चाहते हैं और प्रकरण कटवाने की मांग करते हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारे। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।